खानपुर विधानसभा, खानपुर विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और बसपा ने तीनों ने अपने धुरंधर उतार दिए हैं। बसपा से खानपुर से प्रत्याशी चौधरी रविंदर डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभी बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला साउथ सिविल लाइन, वो यहाँ पर आए हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है बात करते हैं। चौधरी साहब, किस तरह से समर्थन मिल रहा है? वैसे ज़्यादा तो आपको दिक्कत था नहीं, हम तो आपके साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, देख लो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है ये मैं कह तो रहा हूँ, गढ़ बसपा का हो गया, बसपा का गढ़ हो गया। तो क्या मुद्दे हैं इनके? यहाँ के मुद्दे तो आप देख रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, रोड, पानी, नाली, खड़ंजे, पानी की निकासी तक नहीं है। तो कहाँ मुद्दे तो कुछ सारे के सारे हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जनों कहते किसका हवा नहीं जाता। यदि खानपुर की जनता आपको चुनती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगे? हम प्राथमिकता पर यहाँ परमानेंट पहले तो पढ़ाई के लिए अपना बच्चों का जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, एक हब यहाँ होना चाहिए, यहाँ इंटर कॉलेज भी है गवर्नमेंट का हो, यहाँ डिग्री कॉलेज भी गवर्नमेंट का हो, कन्या डिग्री कॉलेज भी हो, कोई टेक्निकल कॉलेज पढ़ाई में ITI पॉलिटेक्निक कुछ इस तरीके का भी हो, उससे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं, उससे विकास भी होता है। जब ये चीज़ें कहीं आओगी तो वहाँ को लोग रहना पसंद करते हैं। चौधरी साहब, मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हैं? अभी तक तो कोई मुकाबले पर नहीं, मुकाबले पर कोई नहीं है, जनता भी हमारे साथ है जो ये डोर टू डोर पर है। क्या नाम है, क्या नाम बैठा आपको? चौधरी साहब, क्या कहेंगे, किस तरह से विधायक देख रहे हैं? हमारे एक तरफ भाई रंगा पनवाला जी ने विधायक चल किया, हमारे यहाँ पे पूर्व प्रधान है मोहनपुरा मोहम्मदपुर के सत्येंद्र जी, इनसे बात कर, क्या कहेंगे, किस तरह का विधायक देखना चाहते हैं? विधायक रविंद्र भाई को देखना चाहते हैं, 20 साल से हम देख रहे हैं चैंपियनशिप के यहाँ विधायक रहे, हमारे यहाँ की मूलभूत एक ही समस्या थी पानी का निकास, और वो उनसे हो नहीं पाया, क्योंकि जो लोग समस्या जो इतने दूर से गांव शहर में आगे बस रहे हैं और इतने महंगे महंगे मकान बना रहे हैं, उसके बावजूद उनकी समस्या है कि उन्हें गंदे पानी में गुजरना पड़ता है। तो हमारी मूलभूत समस्या पानी का निकास है, रोड सड़कें तो सरकारें बनाती रहती है, लेकिन विधायक जी जो हम रविंद्र भाई से समर्थन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, नेक दिल इंसान है, लोगों से मिलजुल कर लोगों की समस्या सुनते हैं, उनका साथ देंगे, और ये भावी विधायक और लोगों से मिलजुल कर रहते हैं। रविंद्र जी प्रधान जी कहना है, नौसा जी मौजूद, नौसा जी क्या कहेंगे? रविंद्र भाई जिंदाबाद। मुकेश जी मौजूद है, मुकेश जी क्या कहेंगे? रविंद्र जैसे ईमानदार आदमी को यहाँ पे विधायक बनना चाहिए और जनता को उनका सहयोग करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो रविंद्र जी का बहुत बड़ा समर्थन हूँ, हमारे साथ घूमने जाते हैं भाई, साथ साथ चलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ साउथ सिविल का पानी का निकास नाला बन जाए, हाईवे में जुड़ जाए, इस समझ लो आप इनका 100% वोट यहीं समझ लो यहीं से मिलेगा आपको, 100% वोट मिलेगा। क्या कहेंगे आप? राजेंद्र पाल क्या कहेंगे? मैं आज मान्यवर रविंद्र पंडियाले जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और निश्चित रूप से जो मेरी सोच रही है वो ये रही है कि जो विधायकों का आचरण गिर गया है पिछले 20-25 सालों में, उन्होंने जो एक बात कही वो मुझे बिल्कुल मेरे हृदय तल को लगी है कि वो कमीशन नहीं लेंगे, और निश्चित रूप से अगर वो अपनी बात पर अटल रहते हैं तो मैं समझता हूँ उनसे बढ़िया विधायक कोई नहीं होगा, उनसे बढ़िया विधायक कोई नहीं होगा। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई क्या कहेंगे, किस तरह का विधायक देखना चाहेंगे? विधायक जी हम देखना चाहेंगे रविंद्र पंडियाला जी, जो अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और हमें ऐसा ही विधायक चाहिए जो सबका सम्मान करे और सबका विकास करे। इस बार रविंद्र जी को विधायक बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, पूर्ण बहुमत के साथ, मोहम्मद को पूरा साथ। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर से युवाओं का भी और यहाँ जो लोग थे डोर टू डोर कर रहे हैं रविंद्र जी, इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार जो है रविंद्र पंडियाला को ही यहाँ का विधायक देखना चाहते हैं। लेकिन ये आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा कि खानपुर की जनता किसे अपना विधायक बनाती है। अपने सहयोगी विनोद के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वन इंडिया, हरिद्वार।